ह्यूमन सिविलाइजेशन का पाथ युगों और सदियों तक फैली हुई समय द्वारा बताई गई एक कहानी की तरह है। जैसे ही हम अननोन फ्यूचर की ओर देखते हैं, हमें एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और शायद थोड़ी सी चिंता महसूस होती है। फ्यूचर के ह्यूज टाइमलाइन में क्या होगा? इस एक्सप्लोरेशन में हम ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज का पता लगाएंगे। साल 2050, 2100 और डिस्टेंट फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के भविष्य को एनालाइज करेंगे, साथ ही उन टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को हाईलाइट करेंगे जो हमारे भाग्य को आकार देंगी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। नियर फ्यूचर अनप्रेसिडेंटेड एडवांसमेंट और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज के दौर की शुरुआत करेगा। 2050 तक वेरियस फील्ड्स में ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज से इन्फ्लुएंस होकर ह्यूमैनिटी एक नए युग के शिखर पर खड़ी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरेगा, एक सर्वव्यापी शक्ति बन जाएगा जो ह्यूमन लाइफ के सभी पहलुओं में घुसपैठ करेगा। इसके इंटीग्रेशन से वेरियस डोमेन्स में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे, जैसे कि ऑटोनॉमस व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का एक क्रूशियल पार्ट बन जाएगा जो फंडामेंटली लोगों और वस्तुओं की आवाजाही को नया आकार देगा। ये इनोवेशन ना सिर्फ कन्वीनियंट होगा बल्कि ह्यूमन एरर्स को कम करके सेफ्टी को भी बढ़ाएगा। ट्रैफिक जैम जो एक कॉमन प्रॉब्लम हुआ करता था गायब हो जाएगा, क्योंकि ये व्हीकल्स एफिशिएंसी और प्रिसिशन के साथ सबसे बेस्ट और क्विक रूट ढूंढ सकेंगे। हेल्थ बड़े पैमाने पर बदल रही है, जीनोमिक्स और एआई का तालमेल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के द्वार खोलेगा जो हेल्थ केयर के काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव होगा। किसी इंडिविजुअल की जेनेटिक मेकअप और मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके एआई एल्गोरिदम्स ट्रीटमेंट प्लान्स को उनकी स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार तैयार करेगा। इसके अलावा एआई एल्गोरिदम्स द्वारा संचालित प्रेडिक्टिव डायग्नोस्टिक्स बीमारियों का जल्द पता लगाने, प्रोएक्टिव हेल्थ केयर मैनेजमेंट को बढ़ाने और पेशेंट आउटकम्स को सुधारने में मदद करेगा। एआई पावर्ड रोबोट्स बहुत जल्द सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे और एक बड़े स्पेक्ट्रम में कार्य करने में सक्षम होंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और घरेलू कामकाज। कोलैबोरेटिव रोबोट्स या कोबोट्स ह्यूमंस के साथ सीमलेसली काम करेंगे, जिससे वेरियस इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन जैसी एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटने के लिए एआई का लाभ उठाया जाएगा। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स एनर्जी कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करने, नेचुरल डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करने और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस की निगरानी करने के लिए एनवायरमेंटल डेटा को एनालाइज करके इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन एफर्ट्स में योगदान देंगे। प्राकृतिक पुनर्जागरण का एक सबसे विजिबल मैनिफेस्टेशन में से एक सोलार और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का डोमिनेंस होगा। फॉसिल फ्यूल के विपरीत जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में योगदान देता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक क्लीन और सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है। सोलार और विंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का रैपिड एक्सपेंशन एनर्जी लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म करेगा, जिससे धीरे धीरे सीमित और पोल्यूटिंग रिसोर्सेज पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। रिन्यूएबल एनर्जी में परिवर्तन के अलावा कार्बन कैप्चर और जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट क्लाइमेट चेंज के विनाश से निपटने में आशा प्रदान करेगी। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को हटाने में सक्षम बनाएगी, जिससे एटमॉस्फेरिक कार्बन लेवल्स को इफेक्टिवली कम किया जा सकेगा। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसी जियो इंजीनियरिंग टेक्निक्स ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को काउंटरैक्ट करने के लिए अर्थ की क्लाइमेट सिस्टम्स को मैनिपुलेट करेंगी। ये मेथड्स क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम करने और प्लैनेट के फ्यूचर को सिक्योर करने के संभावित तरीके प्रदान करेगी। रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और एम्बिशियस एफर्ट्स से प्रेरित होकर स्पेस एक्सप्लोरेशन अगले 25 वर्षों में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एवोल्यूशन से गुजरने के लिए तैयार है। स्पेस को एक्सप्लोर और कॉलोनाइज करने का मानव प्रयास अद्वितीय स्तर हासिल करेगा, जिसमें मार्स अगली लक्ष्य के रूप में उभरेगा। 2050 तक मंगल ग्रह पर कई मानव युक्त मिशन लॉन्च किए जा चुके होंगे जो रेड प्लैनेट पर परमानेंट कॉलोनीज की स्थापना के लिए ग्राउंड वर्क करेंगे। इन कॉलोनीज को एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, सस्टेनेबल हैबिटेट्स और इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजीज से लैस किया जाएगा,
जो मार्शियन एनवायरनमेंट को ह्यूमन लाइफ के लिए अधिक हॉस्पिटेबल बनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये कॉलोनीज साइंटिफिक रिसर्च, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और इवेंचुअली पृथ्वी से परे ह्यूमन हैबिटेशन के लिए आउटपोस्ट के रूप में काम करेंगी। एस्टेरॉइड्स की एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन से मिनरल रिसोर्सेज की एक अद्वितीय भंडार को खोलेगा, स्पेस बेस्ड इंडस्ट्री में क्रांति आ जाएगी और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। 2050 तक एस्टेरॉइड माइनिंग ऑपरेशंस तेजी से सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, जिसमें रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट नियर अर्थ एस्टेरॉइड से वैल्यूएबल मेटल्स, मिनरल्स और वाटर आइस एक्सट्रैक्ट करने के लिए निकल पड़ेंगे। ये रिसोर्सेस ना केवल बढ़ती स्पेस इकोनॉमी की मांगों को पूरा करेंगे, बल्कि अर्थ के ऑर्बिट से बाहर एक कंटिन्यूस ह्यूमन प्रेजेंस को सपोर्ट करेंगे। मार्स कोलोनाइजेशन और एस्टेरॉइड माइनिंग की सक्सेस इंटरप्लैनेटरी एक्सपेंशन के एक नए युग को ट्रिगर करेगी, क्योंकि मानवता सोलर सिस्टम में आगे तक यात्रा करेंगे। मार्स से परे जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमाओं के साथ साथ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स जैसे डेस्टिनेशंस, एक्सप्लोरर्स और एंटरप्रेन्योर्स को समान रूप में आकर्षित करेंगे। एडवांस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज जैसे कि न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन और आयन प्रोपल्शन वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस में फास्टर और मोर एफिशिएंट ट्रैवल को सक्षम बनाएंगी, ट्रांसिट टाइम्स को कम करेंगी और एक्सप्लोरेशन एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के लिए नई सीमाएं खोलेंगी। जैसे जैसे हम वर्ष 2100 तक पहुंचेंगे, ये दौर वर्तमान की परिचित सीमाओं और भविष्य की असीम संभावनाओं के बीच एक ब्रिज का काम करेगी। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और प्रोफाउंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन की विशेषता वाला दौर है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी और एआई का कन्वर्जेंस ट्रांसह्यूमनिज्म के युग को जन्म देगा और ह्यूमन एनहेंसमेंट की पूरी क्षमता को खोलेगा, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के मूल ढांचे को नया आकार देगा। ह्यूमैनिटी अपनी फिजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए साइबरनेटिक एनहेंसमेंट्स और न्यूरल इम्प्लांट्स के साथ खुद को ऑगमेंट करेंगी। ये एनहेंसमेंट्स ह्यूमंस को बायोलॉजी की लिमिटेशन को पार करने, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंटेलिजेंस और सेंसरी परसेप्शन को सुपर ह्यूमन लेवल्स तक बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। जैसे जैसे मनुष्य फंडामेंटल लेवल पर टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट होगा, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक लाइफ के बीच का डिफरेंस तेजी से धुंधला होता जाएगा। फंक्शनैलिटी को बढ़ाने और जीवन को लंबा करने के लिए व्यक्ति अपने शरीर में साइबरनेटिक्स कंपोनेंट्स को शामिल करके मशीन्स के साथ सीमलेसली मर्ज हो जाएंगे। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन प्राणियों की एक नई नस्ल को जन्म देगा, जो पार्ट ह्यूमन और पार्ट मशीन होंगे, जो पोस्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस के एक नए युग की शुरुआत करेगा। ट्रांसह्यूमन युग के सबसे गहरे इम्प्लीकेशंस में से एक रेडिकल लाइफ एक्सटेंशन टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट है। एटर्नल यूथ की तलाश एक टेंजिबल रियलिटी बन जाएगी। वैज्ञानिक जेनेटिक मैनिपुलेशन, रीजेनरेटिव मेडिसिन और सेलुलर रेजुविनेशन के माध्यम से एजिंग और डेथ रेट की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाएंगे। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स द्वारा प्रेडिक्ट की गई एक फिनोमिनॉन क्वांटम पार्टिकल्स के बीच प्रॉपर्टीज के इंस्टेंटेनियस कोरिलेशन को सक्षम बनाती है, इसके बावजूद कि वे एक वास्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। इस प्रोसेस में फोटोन जैसे दो क्वांटम पार्टिकल्स का उलझाव या एंटेंगलमेंट शामिल होता है, जिसके बाद एक पार्टिकल की स्टेट का मेजरमेंट होता है, जो इंस्टेंटेनियसली दूसरे पार्टिकल की स्टेट को डिटरमाइन करता है, भले ही उन्हें अलग करने वाली दूरी कुछ भी हो। ये फिनोमिना क्वांटम टेलीपोर्टेशन और क्वांटम कम्युनिकेशन का आधार बनती है, जो अनपैरेलल्ड स्पीड और सिक्योरिटी के साथ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का साधन प्रदान करती है। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटेशनल पावर के शिखर के रूप में उभरती है, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्रांति लाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करती है। क्लासिकल कंप्यूटर्स के विपरीत, जो बाइनरी बिट्स के आधार पर काम करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स का लाभ उठाते हैं, जो साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं। ये पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स की तुलना में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक्सपोनेंशियली फास्ट होते हैं। ये कंप्यूटेशनल एडवांसमेंट्स की एक नए युग की शुरुआत करेगा। क्वांटम कंप्यूटर्स में क्रिप्टोग्राफी, मेडिसिन डिस्कवरी, मटेरियल साइंस और ऑप्टिमाइजेशन जैसे फील्ड्स में पहले से कठिन चुनौतियों से निपटने की क्षमता है, जिससे इनोवेशन और डिस्कवरी के अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। दूसरी ओर
क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट की फिनोमेनन को यूज करके कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसफॉर्म करेगा, जिससे डिस्टेंस इररिलेवेंट हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के ट्रेडिशनल मेथड्स के विपरीत, जो स्पेस के थ्रू फिजिकल सिग्नल्स के ट्रांसमिशन पर निर्भर करते हैं, क्वांटम टेलीपोर्टेशन डिस्टेंस लोकेशंस के बीच क्वांटम इन्फॉर्मेशन के इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर को एनेबल करेगा। इस पीरियड में इंटरस्टेलर ट्रैवल का पुराना सपना साइंस फिक्शन के दायरे से टेंजिबल रियलिटी में परिवर्तित हो जाएगा। ये मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट से संभव होगी, जो स्पेसक्राफ्ट को इंटरस्टेलर जर्नीज के लिए आवश्यक रिलेटिविस्टिक स्पीड तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। प्रोपल्शन सिस्टम्स में सफलताएं मिलेंगी जो रेवोल्यूशनरी एडवांसमेंट से गुजरेंगी, जिससे लाइट की स्पीड के करीब स्पेसक्राफ्ट को प्रोपल करने की कैपेबिलिटी का पता चलेगा। नई प्रोपल्शन सिस्टम्स जैसे कि एंटीमैटर प्रोपल्शन, फ्यूजन प्रोपल्शन और यहाँ तक कि एल्क्यूबियर वॉर्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजीज ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के एक नए युग में ले जाएगी, जिससे कोलोनाइजेशन और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के अवसर खुलेंगे। जनरेशन शिप्स इंटरस्टेलर ट्रैवल में एक प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, जो कोलोनिस्ट को डिस्टेंट स्टार सिस्टम तक एपिक जर्नीस पर ले जाएंगे। ये विशाल स्पेसक्राफ्ट एक सेल्फ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट्स को पेश करता है, जो स्पेस के थ्रू लंबी यात्रा के दौरान निवासियों की कई पीढ़ियों को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कटिंग एज लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, हैबिटेट मॉड्यूल्स और फार्मिंग सेटअप से इक्विप्ड जनरेशन शिप्स मानवता की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर ब्रह्मांड की अज्ञात गहराई में पहुंचने के लिए दशकों या सदियों तक चलने वाली यात्राओं पर निकलेंगे। फार फ्यूचर ट्रांसेंडेंस और कॉस्मिक एनलाइटमेंट के वादों से संकेत करता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पॉसिबिलिटीज की बाउंड्री ह्यूमन क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की भट्टी में घुल जाती है। ह्यूमैनिटी अनप्रेसिडेंटेड स्केल के मेटामॉर्फोसिस से गुजरेगी, अपनी बायोलॉजिकल ओरिजिन्स को पार करके एग्जिस्टेंस के पोस्ट ह्यूमन फॉर्म्स को अपनाएगी। फिजिकल बॉडी की लिमिट से परे कॉन्शियसनेस का गहरा विस्तार होगा, जिससे इंसान वर्चुअल वर्ल्ड्स और सिमुलेटेड रियलिटीज में रहने में सक्षम हो जाएगा। न्यूरोसाइंस, न्यूरोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट के थ्रू कॉन्शियसनेस तेजी से अडेप्टेबल हो जाएगी, फिजिकल वर्ल्ड की लिमिटेशंस को पार करने और एग्जिस्टेंस के नए डायमेंशंस की खोज करने में सक्षम हो जाएगी। जैसे जैसे ह्यूमैनिटी एग्जिस्टेंस के पोस्ट ह्यूमन फॉर्म्स को अपनाएगी, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक लाइफ के बीच का अंतर धुंधला होता जाएगा, जिससे एक बड़ी संख्या में पोस्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज का जन्म होगा। ये एंटिटीज विभिन्न रूप ले सकती है, साइबरनेटिक इम्प्लांट्स और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के साथ एनहेंस्ड ह्यूमन से लेकर डिजिटल फॉर्म में रहने वाली पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस और कॉन्शियसनेसेस तक। नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइफ के बीच की सीमाएं तेजी से तरल होती जाएगी, क्योंकि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और एग्जिस्टेंस की नई सीमाओं को पता लगाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज हो जाएंगे। डिस्टेंट फ्यूचर में मिल्की वे गैलेक्सी, हाइपरलेन और क्वांटम रिलेस के वास्ट नेटवर्क्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड एडवांस्ड सिविलाइजेशंस की एक डायनामिक नेटवर्क में बदल जाएगी। ये एडवांस्ड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स अक्रॉस द गैलेक्सी गुड्स, रिसोर्सेज, आइडियाज और कल्चर का आदान प्रदान करके इंटरगैलेक्टिक ट्रेड को फैसिलिटेट करेगी, जिससे अलग अलग सिविलाइजेशंस के बीच यूनिटी और कोऑपरेशन की भावना को बढ़ावा मिलेगी। डायसन स्फीयर्स, एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर जो एंटायर स्टार्स की एनर्जी को यूज करेंगे, गैलेक्टिक सिविलाइजेशन की तकनीकी विशेषज्ञता के प्रतीक होंगे। ये विशाल संरचनाएं स्टार्स को घेर कर उनकी ऊर्जा उत्पादन पर कब्जा करेगी और गैलेक्टिक सिविलाइजेशंस के लिए पावर का लगभग असीमित स्रोत प्रदान करेगी। काउंटलेस छोटे हैबिटेट्स और सैटेलाइट से बने डायसन स्वार्म्स नियर बाय स्टार्स को ऑर्बिट करेंगे, बढ़ती आबादी का समर्थन करेंगे और इंडस्ट्री, कॉमर्स और कल्चर के हब्स के रूप में सर्व करेंगे। फार फ्यूचर में ह्यूमैनिटी स्पेस टाइम और फिजिकल एग्जिस्टेंस की सीमाओं को पार करते हुए कॉस्मिक एनलाइटमेंट के चरम पर पहुंच जाएगी। एवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के युगों के माध्यम से एडवांस्ड सिविलाइजेशंस यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों को खोलेगी, रियलिटी और कॉन्शियसनेस की फंडामेंटल नेचर में अंतर्दृष्टि प्राप्त करेगी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और आध्यात्मिक समझ के माध्यम से वे अपनी इच्छा के अनुसार अस्तित्व के ढांचे को आकार देते हुए
कॉस्मिक लैंडस्केप्स के आर्किटेक्ट बन जाएंगे। ये प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटी को मटेरियल वर्ल्ड की बाधाओं को पार करने और एग्जिस्टेंस की हायर स्टेट्स तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। टाइप 1 से टाइप 2 सिविलाइजेशन पर एक वीडियो बनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।